महिलाओं के खतना के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना रुख भी साफ किया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं का पक्ष किया है। कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं को भी उनकी आज़ादी और उनकी इच्छाओं को पूरा करने की इजाज़त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं की जिंदगी केवल उनको पति और उनके बच्चों तक सीमित नहीं है, उनकी और भी इच्छाएं हो सकती हैं। महिलाओं का जीवन केवल पति के लिए नहीं है। तो वहीं इस याचिका को देश के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का भी साथ मिला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए बोहरा मुस्लिम समुदाय में नाबालिग बच्चों के खतना किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। इसमें कहा गया था कि खतना को गंभीर अपराधों की श्रेणी में रखा जाए। अभी इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हुई है, कल भी इस मामले में सुनवाई होनी है। उल्लेखनीय है कि मासूम बच्चों का खतना किया जाता है, हालांकि इसमें बच्चे पैदा करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन यह महिलाओं की संतुष्टि से जुड़ा होता है और खतना करते समय कई बच्चियों की इसमें जान तक चली जाती है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।